My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू एटीट्यूड से फेयर स्टडी वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप इस प्रकार के वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही जल्दी 20K जाने वाले थे, जल्दी से जल्दी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो यार। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो काइंड मास्टर आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको काइंड मास्टर डाउनलोड करना नहीं आता, आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा जो काइंड मास्टर में यूज कर रहा हूँ। सो वहां से आप बिल्कुल भी आसानी से इस काइंड मास्टर को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो यार देखो वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप किए, आपको पता चल जाए वीडियो को कैसे बनाना है। सो वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। सो इसमें जो इफेक्ट है वो भी बताऊंगा कैसे डालना है। ओके, कौन सा इफेक्ट डालना है। ओके, सो गाइस देखो, सबसे पहले आपको काइंड मास्टर में आ जाना है, फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, विजुअल साइज को सिलेक्ट करना है, फिर सेटिंग में जाकर एडिटिंग में जाकर फुल स्क्रीन जरूर से कर देना, फिर आपको यहाँ पे मीडिया क्लिक करना है और सबसे पहले ये वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो गाइस, फिर आपको मीडिया क्लिक करना है। ओके, फिर अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इमेज को। तो मैं कुछ इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा इमेज है। ओके, मेरा इमेज नहीं है, मतलब जो मैं यूज करना चाहता हूँ। सो इस प्रकार से मैंने कुछ इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब उसको सिलेक्ट करने के बाद देखो गाइस क्या करना है, इसमें जो क्लिप गाइस एड करना है, जिसका नाम है कॉल मीडिया, आपको पता ही होगा। और आपको कॉल मीडिया इंस्टॉल करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओके, सो यार देखो इस प्रकार से आपको एड करना है, और इसमें भी एड करना है तीन नंबर। पहले आपको तीन नंबर एड करना है, फिर चार नंबर एड करना है, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से। फिर आपको एक नंबर एड करना है, एक नंबर वाला क्लिप का भी, मतलब बीट सीन्स वो कॉल मीडिया एक नंबर वाला। ओके, फिर आपको दो नंबर वाला एड करना है। तो आपके ऊपर आप कितना इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो, आप चाहो ज़्यादा इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, कम इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपके ऊपर है कि आप कितना इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो। ओके, सो इस प्रकार से आपको अपनी क्लिप का भी इसको एड कर लेना है वन बाय वन करके। तो मैंने यहाँ पर क्लिप का भी इसको एड कर लिया। अब आगे आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, फिर आपको यहाँ पे ऑडियो क्लिक करना और इस वाला ऑडियो को सिलेक्ट करना। ओके, सो इस ऑडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अब ये ऑडियो एड हो जाएगा। अब गाइस क्या करना है, अपनी इमेज का लेंथ घटा के इसी ऑडियो के अंदर कर देना सभी इमेज को। ओके, वरना आपके जो इमेज रहेगा वो ऑडियो से बाहर चला जाएगा, तो आपका इमेज का क्या काम उधर, अभी बताओ मेरे को। सो इस प्रकार से आपको अपनी इमेज का लेंथ घटा देना है और ये सॉन्ग का अंदर कर देना है, और एक इमेज को मैं बाहर कर देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, सो अब इस प्रकार से ये एड हो चुका है। अब गाइस क्या करना है, इसमें मेन इफेक्ट डालना है, इसमें हमें वो इफेक्ट कैसे डालना है ये मैं आपको देता हूँ। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको बैकग्राउंड करके, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है व्हाइट कलर का, साइज फुल कर देना इस प्रकार से, और इसका ब्लेंडिंग में जाना है, इसको ओवरले कर देना। ओके, सो इससे आपका फेस पे जो है देखो ये लाइट मोशन वाला इफेक्ट आ जाएगा। ओके, सो इसका ओवरऑल एनिमेशन में जाके फ्लिकर कर देना। ओके, सो इस प्रकार से देखो बहुत ही अमेजिंग सा लगेगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, बट आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा अच्छे से प्रोफेशनल लुक देना। ओके, सो फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, देन आपको ये रहा वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो इस प्रकार के वीडियो को एडिट कर लेना, ये लाइट फिर वीडियो है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, और इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना। ओके, सो ये स्क्रीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको स्क्रीन कर देना है। सो गाइस देखो यहाँ पे इसका जो लेंथ है, ये व्हाइट वाला जो लेंथ है, इसका लेंथ एंड तक कर देना है घटा के। ओके, तो ये लेंथ एंड तक हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। बाकी सर आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी चेंज वेंज नहीं करना है। बाकी हमारा जो वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, मैं वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ आपको वीडियो कैसा बनाए। तो गाइस देखो वीडियो देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। फिर आपको यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, 1080p और 30 फ्रेम रेट सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, सो गाइस यही आज की वीडियो, होप की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल में बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, जाके देखो यार जिसने नहीं देखा है कोई पहले वाली वीडियो को। ओके, जाके देखो यार। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।